क्या बात है? कुछ नहीं। कल कुछ हुआ था? नहीं तो तुम्हारे कमरे से ऊंचे सुर में बात करने की आवाजें आ रही थी। नहीं कोई बात नहीं है। नहीं बताना चाहती तो ठीक है, वैसे भी हमने कुछ नहीं सुना, लेकिन हाँ आर्यन के मुंह से आदित्य का नाम सुना था। क्या आदित्य को भेजने के मामले में कुछ बात हो रही थी? नहीं, वो क्या है कि आर्यन नहीं चाहते थे कि मैं उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेजूं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उन्हें लंदन भेजने का इंतजाम कर दिया था। सबसे बड़ी बात तो आदित्य का ठीक होना है। अगर ऑस्ट्रेलिया जाकर वही फायदा होना है जो लंदन जाकर हो सकता था, तो इसमें गलत बात क्या है? सुमित्रा का फोन आया था थोड़ी देर पहले, कह रही थी ठीक से पहुंच गए, सारे इंतजाम बहुत अच्छे हैं। फिर तो इसमें झगड़े की कोई बात ही नहीं रह गई। क्यों दिया? हाँ, इस वक्त तो हमें चाचू के फायदे की सोचना चाहिए, चाहे कैसे भी हो। धीरे धीरे इस घर के लोग तुम्हारे करीब आने लगे। और आर्यन, वो मुझसे और दूर होते जा रहा है। श्रद्धा, तुम्हारी छुट्टियां चल रही, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारा दिन खेलती रहो, तुम्हें थोड़ा आराम भी करना चाहिए। मम्मा यही कहती थी, वो मुझे ऐसे ही सुलाया करती थी थपथपाकर। मुझे मम्मा की बहुत याद आती है। मैं भी मन्ना और मम्मा को बहुत मिस करती हूँ, और खासकर कि अब कहते हैं बेटी के लिए माँ के घर के दरवाजे शादी के बाद भी हमेशा खुले रहते हैं, मगर मेरे लिए तो उनके घर के दरवाजे बंद हैं। मैं तो उनकी एक झलक पाने के लिए भी तरस गई हूँ। ॐ महाकाले मन्नान विराजत हुमो सुतो जलल जलल विक्रालित चक्रेण शंकिनी शंकिनी रखवि। ये आवाज़ है, इतनी रात कौन है? सुना है ये वही खतरनाक औरत है जो बेसमेंट में बंद थी, उसे अब अपने फ्लोर पे लाया जा रहा है। वही जो पिछले 6 साल से वहां कैद थी, उसे यहाँ क्यों लाया जा रहा है? पता नहीं, पर वो अपनी बात मनवाने में हमेशा कामयाब हो ही जाती है। जो चाहती है वो पा लेती है। जो चाहती है पा लेती है? अगर ऐसी बात है तो अब तक वो अंधेरी कोठरी में सलाखों के पीछे क्या कर रही है? पता नहीं। शमा, ये जेल है, ऊंची दीवारों के पीछे सबकी नजरें हमेशा सब पर रहती हैं। यहां अपनी मर्जी से कोई एक कदम भी इधर उधर नहीं कर सकता। सच?
चलो चलो, ये सेल तुम्हारा नहीं, यहाँ पे आओ। हेलो जी, घर पे कोई नहीं है। गार्डन में नाना जी को घुमाने के लिए लेकर गए हैं। विशु, मेरे साथ बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विद मी, जो मैं कह रही हूँ वैसे करो। हाँ, सारे शेयर्स मुझे इंडिया भेज दो। क्या वृंदा ने मेरे अजीब बिहेवियर के बारे में? नो नो, आई एम परफेक्टली ऑलराइट डार्लिंग, डोंट वरी, आई एम इन माय सेंसेस। या इस वक्त जो मैं कहती हूँ वो करो, बाद में आई विल टॉक टू यू, बाय। किसका फोन था? विश्वनाथ का तो नहीं था। नहीं नहीं दादी जी, वो तो मेरे डिजाइनर का फोन था। यू नो ही वाज टेलिंग मी कि जब से मैंने उसके डिजाइन पहनने चालू किए हैं उसका तो सेल बढ़ गया है। आई एम अ सेलिब्रिटी ना, तो लोग मुझे फॉलो करते हैं शायद। हाउ स्वीट ना। रेवती मामी ने आज तक कभी भी मेरा अच्छा नहीं चाहा। बात साफ है, अगर उन्होंने सबके सामने अपने दिमागी हालत का इतना बड़ा नाटक किया है तो किसी छोटी मोटी बात के लिए नहीं किया होगा। इसके पीछे उनका इरादा जरूर मुझे नुकसान पहुंचाने का ही होगा। पर अब सवाल ये उठता है कि कहीं मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी चाल चल तो नहीं दी, और अगर ऐसा किया है तो मैं कैसे जान पाऊंगी उनकी चाल के बारे में? कैसे? दो शक्तियों में टक्कर है, भिड़ंत है। एक की गलती दूसरे की जीत का कारण बन सकती है, और खुशी के खाते में गलतियों के आंकड़े बहुत बढ़ चुके हैं, बहुत बढ़ चुके हैं। सिद्ध यही होता है कि वो दुर्गा के लिए बहुत लाभदायक होंगे। फिर भी खुशी को उसके रास्ते से हटाना आसान नहीं होगा। कुछ लोगों ने कोशिश भी करके देख ली और हार भी मान ली। सत्य चाहे कुछ भी हो, दिल पर चोट खाई पत्नी की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। घायल शेरनी की तरह होती है वो। मेरी बात को याद रखना, याद रखना इस बात को। काश ऐसा ही हो, काश जीत दुर्गा की ही हो, काश खुशी मुस्कान का चोला उतार दे। मैं दुर्गा की विजय का प्रार्थी हूं। मेरी मनोकामना यही है कि
की वजह दुर्गा की ही हो, इसलिए नहीं, इसलिए बिल्कुल नहीं कि उसे पत्नी का अधिकार मिल जाएगा, परंतु इसलिए कि यदि आर्यन और खुशी की शादी न टूटी तो जो दुर्घटनाएं मुझे होती हुई सामने दिखाई दे रही हैं, जिसके बच्चे का इस दुनिया में आने का डर ही मुझे थरथरा कपा देता है, वो सत्य हो जाएगा और वो होगा बहुत बड़ा अनर्थ, एक भयंकर अनर्थ। हाँ, मैं जान गई हूं कि रेती मामी की जुबान कैसे खुलवाई जा सकती है। मुझे पता चल जाएगा कि कहीं उन्होंने किसी को कोई बात बताई है या नहीं। Time is over, ma'am. Sir, I need some more time to tone up, please. Okay, 15 minutes only. Thank you, sir. खुशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? और ये इतने सारे वेट्स क्यों क्यों डाल रही हो? बोझ के नीचे मैं दब रही हूँ खुशी। दबी रही हूँ खुशी, ये तुम क्या कह रही हो? सब कुछ जानकर भी अनजान मत बनिए। याद कीजिए, हम दोनों के बीच एक राज की बात थी, याद आया? जिसके लिए आपने मुझे धमकी दी थी और फिर आप मान गई कि आप अपनी जुबान बंद रखेंगी, और उसके बदले में आपने मेरे सामने एक शर्त रखी थी कि मुझे आपकी कोई भी एक बात माननी पड़ेगी, जब भी आप कहेंगे और जो भी आप कहेंगे। और मैंने भी आपके सामने एक शर्त रखी थी, अगर हम दोनों के अलावा ये बात किसी और तीसरे को पता चली तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे धोखा दिया है, आपने अपना वादा तोड़ा है। खुशी, तुम ये क्या बात कर रही हो? और वैसे भी सेलिब्रिटीज को कहां वक्त होता है ये सब करने का? प्लीज मामी, प्लीज आप अपना ये सेलिब्रिटी वाला नाटक बंद कर दीजिए। मैं जान गई हूँ आपने ये सब इसलिए किया ताकि आप मेरी नजरों से बची रहे, मैं आपको और आपकी इन हरकतों को इग्नोर कर सकूं। रेस मम्मी, आपने किसको क्या बताया है, बताइए मुझे। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया खुशी, आई स्वेयर, यू बिलीव मी प्लीज। बिलीव ही तो नहीं कर पा रही है। अगले 5 मिनट में ये जिम बंद होने वाला है और मैं बाहर जाकर वॉचमैन से ये कह दूंगी कि आप चली गई है, वो इसे लॉक कर चला जाएगा, फिर आप इस जिम में अकेली रहेंगे। सुबह तक तो ये बोझ आप उठा ही सकेंगी ना? खुशी प्लीज रुक जाओ। खुशी, तुम मुझे इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकती, मैं ये नहीं हैंडल कर पाऊंगी। मैं सच कह रही हूँ खुशी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने दुर्गा को कुछ बोला तो नहीं, लिख कर दिया था। Are you sure? Yeah, very sure, खुशी प्लीज हेल्प मी। रेव्स मामी, मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत कीजिए, आप जानती है ना मुझे सब कुछ पता चल जाता है। क्या आपने किसी और तरीके से किसी को? हाँ, किसे आपने किसे बताया कि दुर्गा बेगुनाह है, वो कसूरवार नहीं है? किसे बताया आपने? हाँ, दुर्गा को। क्या यहाँ क्यों बैठी? चलो खाना नहीं खाने का है क्या? नहीं। चलो जल्दी करो, वहां तुम्हारा कोई इंतजार नहीं करेगा कि महारानी आ आएगी और खाना खा लेगी। बोला ना खाना नहीं खाना है। ओ, नहीं खाना है तो मेरी बला से। मैंने कहा ना एक बार कि मुझे खाना।
कोशिश भी मत करना किसी को बुलाने की, कोई नहीं सुनेगा जब तक मैं तुमसे अपनी पूरी बात नहीं कह देती, दरवाजा भी नहीं खोलेगा। कौन हो तुम? तुम मुझसे क्यों और क्या बात करना चाहती हो? जो बात मैं तुमसे कहने जा रही हूं वो तुम्हें बहुत ही जल्द पता चल जाएगी, लेकिन इतना जान लो कि वो बात तुम्हारे भले के लिए है। और रही बात कि मैं कौन हूं, तो समझ लो तुम्हारी शुभ चिंतक। खुशी से बदला लेना चाहती हो ना? आर्यन और अपने परिवार को फिर से पाना चाहती हो? तुम ये सब कैसे जानती हो? और ये कैसे जानती हो कि मैं ये चाहती हूँ? दुर्गा, मेरे इन शब्दों को सिर्फ शब्द ही मत समझना। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारी शुभचिंतक हूँ, सच कहा था मैंने। और ये सब कुछ मैं कैसे जानती हूँ ये भी मत पूछो। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा तुम्हारे बाजू वाले कोठरी में आना महज एक इत्तफाक है, संयोग है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये क्यों कर रही हो, और तुम मुझे यहां से बाहर निकालने में मेरी मदद कैसे कर सकती हो? मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूं? हर इंसान स्वार्थी होता है, बिना अपना फायदा सोचे कोई कभी किसी की मदद नहीं करता। और तुम्हारे साथ साथ इस जगह से मुझे भी अपनी आजादी दिखाई दे रही है, इसलिए मैं तुम्हें दिलचस्पी ले रही हूं। लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ तब बताऊंगी अगर तुम हां कहोगी तो, मान जाओगी तो। तुम हां कह दो, मैं तुम्हें इस जगह से मुक्ति दिलवाऊंगी। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? भरोसा क्यों करूं? दुर्गा, इसके अलावा क्या रास्ता है तुम्हारे पास? सोच लो, अच्छी तरह से सोच लो दुर्गा। ये दर्द सिर्फ तुम जानती हो कि खुशी ने तुमसे क्या छीना है। बेगुनाह होकर भी तुम पर इल्जाम लगाया गया, किसकी वजह से? खुशी की वजह से। मैं मानती हूं कि आर्यन तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश में लगा है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि वो अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाएगा? क्या खुशी ने उसके हाथ बांधे नहीं होंगे? अब तुम ही बताओ दुर्गा, यहां से बचने के लिए और क्या रास्ता है? ऐसा भी हो सकता है कि सालों साल बीत जाए और तुम्हें बाहर जाने का मौका ही ना मिले, और जब तुम्हें बाहर जाने का मौका मिले तो बाहर की दुनिया में सब कुछ बदल चुका हो। यहां आकर जिंदगी थम जाती है, लेकिन बाहर की जिंदगी चलती रहती है। इसीलिए सोच समझ कर मुझे जवाब दो, क्या तुम मेरी मदद लेने के लिए तैयार हो? यहां से बाहर जाने के लिए मेरा दिखाया हुआ रास्ता तुम्हें मंजूर है? और अगर है तो